हम में से तीनों का कुछ नहीं बिगड़ा। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी एकदम मस्त हो गए। जैसे कि आप सबको पता है कि योयो हनी सिंह पाजी का न्यू सॉन्ग बूम बूम आने वाला है 24 नवंबर को। उससे पहले ही एक और अच्छी चीज हुई है हनी पाजी के साथ। योयो हनी सिंह पाजी अब एक म्यूजिक ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं जिसका नाम है इन ग्रूव्स। तो क्या हनी पाजी ने टी सीरीज को छोड़ दिया है? इसका आंसर जानने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले आप रफ्तार का अभी का एक इंटरव्यू देख लो जिसमें वो योयो हनी सिंह पाजी एंड बादशाह के बारे में कुछ बोले हैं। 10 साल आगे आ चुके हैं, वहीं फंसे हुए हैं लोग, तो हुआ क्या इतने सालों में, सिर्फ न्यूज बनी है। आपका क्या सोचना है इस पे कमेंट्स में बताओ। बाकी बात करें लेबल की तो इन ग्रुप्स बेसिकली एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के अंडर ही आती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अब से योयो हनी सिंह पाजी के जितने भी सॉन्ग्स उनके चैनल पर आएंगे वो सब सॉन्ग्स के राइट्स इन ग्रुप्स के पास होंगे। साथ में ये उन सभी सॉन्ग्स की मार्केटिंग भी करेंगे, मतलब वर्ल्ड वाइड सॉन्ग्स के प्रमोशंस वगैरह। लास्ट सॉन्ग जो योयो हनी सिंह पाजी के चैनल पर आया था जिंगल बेल, उसका अगर आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां सॉन्ग के राइट्स में इन ग्रुप्स का नाम दिख जाएगा। क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हनी पाजी के सॉन्ग सबसे न्यू लेवल पर आएंगे क्या, टी सीरीज को छोड़ रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हनी पाजी टी सीरीज को अभी फिलहाल में बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। बस जो सॉन्ग हनी पाजी के चैनल पर आएंगे, एग्जांपल के तौर पे आप बूम बूम सॉन्ग को ले लो, उसके राइट्स इन ग्रुप्स के पास होंगे और मार्केटिंग वगैरह भी वही करेंगे। तो ये काफी अच्छी न्यूज है हनी पाजी के लिए एज एन आर्टिस्ट। खैर बूम बूम सॉन्ग से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज आने वाली है आप सभी के लिए, उसका वेट करो। जब तक के लिए बाय बाय। Thank you.